जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने सभी रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी महिलाओं को, सभी गरीब लोगों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इतने रुपए की गिरावट इस रक्षाबंधन के मौके पर सभी आम लोगों को तोहफा दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार आपके जो LPG का रसोई गैस सिलेंडर है, जो घरों में LPG का रसोई गैस सिलेंडर यूज होता है, उसके दाम में हमारे केंद्र सरकार इस रक्षाबंधन के मौके पर कितने रुपए की गिरावट करने जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी इस समय कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो इस वीडियो को बिना भगाए एकदम अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि हमारे भारत के सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को और सभी गरीब लोगों को सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। दोस्तों बता दें कि 19 अगस्त 2024 को हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी महिलाएं अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाएंगी और इसी बीच हमारे भारत के सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है इस रक्षाबंधन के मौके पर। दोस्तों बता दें कि रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में सभी LPG रसोई गैस सिलेंडर, जो आपके घरों में 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर है, उसके दाम में 500 रुपए की गिरावट करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसके दाम में आपको 500 रुपए की कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों बता दें कि मान लीजिए कि अगर आपका रसोई गैस सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, तो आपको इस रक्षाबंधन के मौके पर आपको LPG का रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में ही दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि हमारे केंद्र सरकार ने पिछले 2 महीने के दौरान के बाद आज हमारे केंद्र सरकार ने इस रक्षाबंधन के मौके पर सभी आम जनता को सबसे बड़ा सौगात, सबसे बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। और सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि सभी महिलाओं को रक्षाबंधन का यह तोहफा दिया गया है। तो ऐसे में आप में नीचे कॉमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके घर में इस समय कौन सा रसोई गैस सिलेंडर है। अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, तो अपने गैस सिलेंडर का नाम नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और बड़ी खुशखबरी की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।